विचारों के जरिए ईमानदारी और बेईमानी के नतायज को समझते हैं। मिसाल नंबर 1, अलीजा ने जर्मीन से पेंसिल मांगी। लिखना खत्म होने के बाद अलीजा ने पेंसिल जर्मीन को वापस दे दी। यहाँ पर समझ में आता है कि अलीजा ने ईमानदारी अपनाई। मिसाल नंबर 2, शमा साइकिल पर से गिरी, लेकिन अपने वालिदा को बताते वक्त उसने कहा कि मुझे नेहा ने गिराया। ये बात गलत है। इस बात से क्या होगा कि दोनों खानदानों में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा, यानी ये बेईमानी का नतीजा है। ईमानदारी रिश्तों में आपसी भरोसा बरकरार रखने का नाम है। ईमानदारी हमें निडर बनाती है। ईमानदारी दो खानदानों के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ाती है। ईमानदारी ये है हमारी ताकत है।